लक्ष्मी करेगी ऋषि पर हुकूमत और सुलाएगी ऋषि को जबरदस्ती अपने बेड में। और नीलम ने देख लिया ऋषि लक्ष्मी को एक साथ सोते हुए और मलिष्का की होगी हार और दादी वीरेंद्र के छुपे हुए पड़े राज का होगा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि अपने कमरे में जा रहा होगा तभी शालू ऋषि को रोकते हुए कहेगी कि अभी और रस्म बाकी है जो पहले भी पूरी नहीं हुई थी। तब यह सुनकर ऋषि को काफी बड़ा शौक लगेगा और ऋषि कहेगा बोलो कौन सी रस्म। तब यह सुनकर लक्ष्मी धीरे से शालू को कहेगी रहने दे। तब शालू कहेगी नहीं दे, हमें कोर्ट में वीडियो भेजनी है और ये रस्म करना काफी ज्यादा जरूरी है जो पहले भी नहीं हो पाई थी। ये सब शालू लक्ष्मी को धीरे से कहकर ऋषि को कहेगी वो अंगूठी वाली रस्म, जिसे सुनकर नीलम एक बड़े से तपेले में दूध वाला पानी अंगूठी की रस्म करवाने के लिए मंगवाएगी और कहेगी चलो इस रस्म को शुरू करो। लेकिन अंगूठी की रस्म को शुरू करने से पहले जब दादी कहेगी कि रुको इस रस्म के नियम पहले मुझे बता लेने दो, तब यह सुनकर नीलम कहेगी जी बोलिए। और दादी कहेगी कि अंगूठी की रस्म इस घर के लिए सबसे पवित्र रस्म होता है और इसी रस्म से फैसला होता है कि इस घर में बहू की चलेगी या बेटे की चलेगी। तब यह सुनकर शालू वीडियो उतारती हुई लक्ष्मी को कहेगी दी तू ही जितना, जिसके बाद जब नीलम दूध वाले पानी में अंगूठी डालेगी तभी पहली बार में लक्ष्मी अंगूठी को ढूंढ कर निकाल देगी, जिसे देखकर ऋषि का चेहरा उतर जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार नीलम फिर से रिंग डालेगी तभी वो रिंग दूसरी बार में ऋषि को मिलेगी, जिसे देखकर लक्ष्मी और ज्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन आखिरी तीसरी बार जब बारी आएगी और नीलम कहेगी कि अब ये आखिरी बार है, जिसके हाथों अंगूठी आएगी वो इस खेल को जीत जाएगा। ये कहकर जब नीलम दूध वाले पानी में अंगूठी डालेगी तभी दूध वाले पानी के अंदर लक्ष्मी के हाथों अंगूठी लगेगी। लेकिन बाजू में बैठी मलिष्का की वजह से जबरदस्ती ऋषि अंगूठी के खेल को जीतने के लिए लक्ष्मी के हाथों से दूध वाले पानी के अंदर गुस्से से अंगूठी को छीन लेगा, जिसे देखकर वीरेंद्र नीलम दादी सबके होश उड़ जाएंगे और ऋषि अंगूठी को निकालते हुए कहेगा मैं जीत गया। ये कहकर जब ऋषि अपने कमरे में चला जाएगा और लक्ष्मी भी उठकर जा रही होगी तभी मलिष्का लक्ष्मी को रोकते हुए कहेगी तुम कहाँ जा रही हो। तब लक्ष्मी कहेगी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, जिसे सुनकर मलिष्का कहेगी तुमने देखा नहीं मेरे ऋषि ने अंगूठी का खेल जीत लिया है, इसका मतलब यह हुआ कि ऋषि इस घर में राज करेगा और तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। जिसे सुनकर लक्ष्मी कहेगी तो उसमें क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऋषि जीते तो मैं जीती तो ऋषि जीता और हम दोनों के बीच जीत चाहे किसी की भी हो जीत दोनों की ही है और अगर दोनों जीत गए तो इस घर के पूरे परिवार की चलेगी। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे और लक्ष्मी अपने कमरे में चली जाएगी और नीलम मलिष्का को कहेगी कि गलत टाइम में गलत जगह बोलोगे तो यही होगा और तुम्हारे सामने उस लक्ष्मी का मुंह बंद होना चाहिए था लेकिन लक्ष्मी ने तुम्हारा मुंह बंद कर दिया। यह सुनकर मलिष्का के होश उड़ जाएंगे। लेकिन जब आधी रात को मलिष्का सो जाएगी तभी ऋषि लक्ष्मी अकेले अपने कमरे में रोमांस कर रहे होंगे, जहाँ पर जब मलिष्का ऋषि के कमरे में आएगी तभी ऋषि लक्ष्मी के साथ रोमांस कर रहा होगा, जिसके बाद जब ऋषि लक्ष्मी एक दूसरे को किस करने के लिए जाएंगे और मलिष्का बीच में हाथ ले आएगी तभी लक्ष्मी मलिष्का को जोर से धक्का मार देगी और मलिष्का जोर से जमीन पर गिर जाएगी और तभी मलिष्का की आंखें खुल जाएगी और ये सब निकलेगा मलिष्का का सपना। असल में जब ऋषि लक्ष्मी के आने के बाद सोफे पर सोने की कोशिश करेगा और आधी रात को सोफे से अचानक से ऋषि गिर जाएगा तभी लक्ष्मी ऋषि को बेड पर सोने के लिए कहेगी, लेकिन ऋषि इसके बावजूद सोफे पर सोएगा, जिस वजह से शालू की बात को याद करके लक्ष्मी कहेगी कि जज साहिबा का नाम लो और ऋषि को कहो कि एक छत के नीचे साथ में रहना है तो साथ में सोना भी है। यह सुनकर ना चाहते हुए ऋषि लक्ष्मी के साथ बेड पर सोएगा और लक्ष्मी ऋषि को चिढ़ाएगी। लेकिन जब सुबह होगी और मलिष्का ऋषि लक्ष्मी के बारे में सोचकर नीलम को फोन करेगी और कहेगी कि आप ऋषि के रूम में जाइए और देखिए कि लक्ष्मी ऋषि दोनों साथ में सो रहे हैं क्या नहीं। तब यह सुनकर जब नीलम ऋषि लक्ष्मी के रूम में जाएगी तभी ऋषि को लक्ष्मी के साथ चिपक कर सोते हुए देखेगी और मलिष्का को डरते हुए कहेगी कि ऋषि लक्ष्मी के साथ ही सो रहा है। ये सुनकर मलिष्का के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ऐसा ही ऋषि लक्ष्मी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, और अब मलिष्का और उसके झूठे पंडित के असली सच्चे सबके सामने आ जानी चाहिए क्या नहीं, और आपको ऋषि लक्ष्मी की जोड़ी पसंद है क्या फिर मलिष्का ऋषि की, ये सब हम कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।